से घर वालों ने कहा घूमने जाना है नानी क्या के अलावा कहीं भेजेंगे नहीं नानी क्या भेज दिया यहीं रहता हूँ अब अरे यार मेरी बात हो रही है मुझे जिस तरह से मैं आया हूँ ना मुझे घर पे याद करके हंसी आ रहा है किस तरह से मैं यहाँ पे आया हूँ घर पे मम्मी रो रही है कि नानी के यहाँ जाएगा दादी क्या नहीं जाएगा दादी मेरी लेती नोएडा में मेरा मन नोएडा जाने का मम्मी ने भेजा ही नहीं कहा कि जाओगे तो नानी के जाओगे वरना घर पे बैठो क्या फ़र्क पड़ रहा है मम्मी कह रही हैं हमने कहा ठीक है आ जा रहे हैं पापा कह रहे हैं नहीं दादी के यहाँ जाएगा मम्मी रो रही हैं आंसू नहीं निकल रहे ऐसे करी हैं बस आंखें पोछ रही हैं आंसू एक भी नहीं निकल रहे भाई आराम से छोटा भाई है मेरा इतना बड़ा है इतना बड़ा मायने रखता है वो सात साल का बच्चा आया था उससे भी फ्रिज से पानी पी रहे बनिया ही बने दिया कल छूज मिला के एकदम वो रो रहा है कह रही है उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रही है। नानी क्या जाएगा लड़का मेरा छोटा लड़का रो रहा है चलो फिर मैं आ गया यहाँ पे शायरी मैंने भी सोची थी आप लोग बैठे मैं कुछ कहूँगा नहीं, नहीं। आ, कुछ नहीं कह रहा मैं नहीं आराम से बैठो मैं किसी कुछ नहीं कहूँगा सबने अच्छी शायरी करी मेरी देख लो मेरा पहली बार है मैं कैसे बोल रहा हूँ मैं बस तो अभी बैठा था मेरी एक फ्रेंड का फोन आया करी कहाँ हूँ बता रहे भाई कि यहाँ आया हूँ इंसा पे सोट सब लोग डालते ना डालते हो कि यार आए हो बता रहे हो उसने कहा कि जो भी कर रहे हो मुझसे नहीं बता एलेवेंथ क्लास में तुम लोगों ने तुमक चोरी करी थी उसकी स्टोरी तुमको बतानी बतानी है अब कहा ठीक है चलो बता देंगे आके अब देखो उसकी बात नहीं काट सकते लड़कियों का काम होता है ना काटना है कहां है? दीपक भैया कहाँ गए अपने हैं दीपक भैया नहीं अभी भाई लड़की थोड़ी हो भाई देखो उस लड़की की बात नहीं काट सकता मैं अगर सोच भी ना कि चलो उसकी बात नहीं सुन रहा भाई बंगाली है बंगाली लड़कियों का एक अलग से होता है बंगाली देख रखी हैं एक्स थी सुइया चुप भाई की काट गई सही ना वाह भाई सब कटा कटाटा के नहीं आया मतलब है ना तो भाई मैं बता रहा हर लड़की काटती नहीं है कुछ होती है बंगाली की भाई आराम से धीरे धीरे सुइयाँ चुभाती हैं तो, तो चलो आ गया मैं लो आ गया दीपक भैया आप ये कह दो हर लड़की काट देती है हर लड़की काटती नहीं है कुछ लड़कियाँ होती बंगाली वो लोग सुइयाँ चुबाती हैं धीरे धीरे मज़े लेती हैं तो अब लड़कियों को कभी बात कर एक लड़कियाँ काटती हैं चलो फिर वह उसने कहा इलेवंथ स्टोर्ड बता दो तो अब मैं बताता दो मेरे चार दोस्त हैं स्कूल में मेरे चार दोस्त एक का नाम था फुद्दी फुद्दी का डरपो फुद्दी नाम है एक का नाम था लैला रियल नाम नहीं बता सकता मैं रियल नाम बता दूंगा तो फालतू अभी मुझको भी स्टोरी डालनी यार इंस्टा पैर अपनी ठीक फुद्दी पंडित लैला और खुद में था मेरा नाम ऋषि अब ऋषि नाम तो समझ ही रहे हो कि मेरा क्या निकले होगा किसी को आइडिया मैं बताऊंगा अभी नहीं नहीं बता रहा भाई मैं चलो फिर प्लान हम लोग का ये था कि हम लोग किसी तरह से पेपर में पास होना था एम के पेपर होते थे पास होना था चीटिंग कर नहीं सकते थे सोचा चलो यार दिवाली का टाइम चल रहा है बम लगाते हैं बहुत बेकार प्लान था को लग रहा है भाई बंगाली फोन कर रही है भाई सही में वो उसको पता चल गया मेरे बताया नहीं था यहाँ क्या करने आए उसको सीधे फोन कर कह रही कहाँ का क्या कर रहे हो कुछ भी नहीं करना तुमको एलेवेंथ स्टोरी बतानी है भाई मैं भी पोएट बन के आया था मुझको भी शायरी सुनानी थी चलो फिर हुआ हम लोग का प्लान बना पंडित ने कहा मैं बम ले आऊंगा मैंने कहा चलो मैं लगा दूंगा लाला अपना मर्स् कह रहा चलो ठीक है मैं पैरा दे दूंगा फुद्दी फुद्दू कुछ नहीं कर रहा खड़ा हो अगले दिन हम लोग गए बम लगाया अगरबत्ती लगाई लो सही सही करा बम लग गया अगरबत्ती लग गई पहरा दिया कोई टीचर नहीं है कुछ गलती करी मैंने हम में से किसी ने कोई गलती करी कोई माचिस लेके आया था कोई नहीं लाया था चलो फिर अगले दिन हम लोगों ने फिर से ट्राई करी अब की माचिस ले गया हम लोग बम लगा के चले गए क्लास में हम लोग बैठे कि अब फटेगा अब फटेगा पेपर ख़त्म हो रहा बम नहीं फट रहा बम नहीं फटा पंडित कह रहा भाई हम मेरी फट है हम लोग कह रहे भाई तो क्या सिलेंगे क्या चलो वो तो क्लास में नॉर्मल जो का गए देखा कमोर से धुआं निकल रहा है अब कमोर से धुआं निकल रहा है वो कह रहा है भाई मैं नहीं करूँगा मैंने कहा तुमको करने के लिए भी कोई नहीं बोला अब देखो पंडित की एक स्पेशलिटी ये थी कि अगर उसको घर से लेके जाओ और भाई यहां पर चलना है वो गाड़ी पर बैठेगा पंद्रह मिनट तक तुमको आगे तक लेके जाएगा पंद्रह मिनट भाई वो कहेगा भाई मुझको बाथरूम जाना है पंद्रह मिनट का रास्ता करने के बाद वो घर आएगा उसको बाथरूम लेके जाओ फिर वो जाएगा क्या सेंस है किसी बात का इसका चलो फिर हम लोगों ने बम लगाया धुआं निकल रहा है उठाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही इन हम लोगों ने कर दिया उठाया अगरबत्ती नहीं जल रही हम लोग निकल आए बम वहीं छोड़ दिया वही बंगाली जिसके मैंने बताया वो निकली कह करे तुम लोगों ने क्या करा है यहाँ पे हम लोग कह रहे भाई बाथरूम में क्या करेंगे एक इलेवन सी का लड़का आया मैंने देखा तुम लोगों ने बम लगाया हम लोग कह रहे क्या कर लोगे खुद ही कह रहे भाई जो भी करेगा मैं बता लूँगा हमने कहा यार हटाओ क्लास में गए टीचर ने प्रिंसिपल ऑफिस बुला लिया अब देखो टाइम ज़्यादा नहीं तो छोटे में बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफिस गए वहाँ पे हम लोग खड़े खुद दी कह के गया कि भाई कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी कोई भी एक जन मुँह मत खोलना किसी ने भी मुँह खोला फंस जाएंगे सब हम लोग ऑफिस के अंदर घुसे प्रिंसिपल के सामने बात हो रही प्रिंसिपल ने कहा तुम लोगों ने बाथरूम में क्या करा पंडित बोला मैम फुद्दी बोला मैम जो करा इन लोगों ने करा हमने कुछ नहीं करा हम में वो पंडित एक दूसरे का मुँह देखें चलो फिर प्रिंसिपल का तुम लोग जरा क्लास में जाओ फुद्दी क्लास में बैठा सॉरी फुद्दी ऑफिस में था हम सब लोग क्लास में अब केमिस्ट्री की टीचर लिखवा रही हम लोगों से असाइनमेंट हम लोग लिख रहे मेरा दोस्त लैला बगल हाँ लैला नाम था वो बगल में बैठा मेरे केमिस्ट्री टीचर लिखवा रही है उसको लिखना चाहिए वो लिख नहीं रहा है वो पेन से ऐसे ऐसे कर रहा है कोई मतलब नहीं उसको किसी चीज़ से पीछे से टीचर ही दिया मिला के बहुत तेज और उसका नाम लैला इसलिए था उसने जो आह निकाली है ना मुँह से भाई नॉर्टी अमेरिका वाले ऐसी आह नहीं निकालते होंगे इसलिए उसका नाम लैला पड़ गया उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफिस में गए फिर जो कुटाई हुई है उस पर उसकी हम लोग के लिए तो मार दी लैला के लिए बी डी था फिर बस हुआ बहुत मार पड़ी भाई उस दिन बहुत मार पड़ी थी